हेलो गाइस, बहुत दिन के बाद हम बना रहे हैं व्लॉग और अभी हमारे साथ रीत भी आई है। रीत से हाय। शोयो, हम रीत को डेट पर लेकर आए थे और उसको खाकर कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा। अभी हम सिर्फ रोम अराउंड करेंगे। कितना सुंदर बना है और मुझे भी एक और गिफ्ट मिला है। तो यहाँ पर हम दोबारा से मॉल आए थे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर, बिकॉज़ हम मूवी जा रहे थे रात को, ओ माई गॉड 2, और हम बहुत लेट हो चुके थे, खाना नहीं खाया था, तो सोचा हम यहीं पे कुछ खा लें। और मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ मेकअप लेकर दिया था और ये है टाटा CLIQ पैलेट से। इनके पास बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। मैंने एक आई शेडो पैलेट लिया है और एक लिप टिंट लिया था कोरियन ब्रांड से, जो कि मैं आगे चल के आपको उसका रिव्यू भी बताऊंगी कि वो क्या था और उनके प्राइजेस भी। तो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड इसके बाद हम मूवी देखने चले गए और थोड़ा बहुत खा लिया। और यहाँ पर मैंने न्यू नेल पेंट भी लगाया था खुद से ही, और ये मैंने जूडियो से नेल पेंट लिया। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अभी नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं अभी बस थोड़ी देर पहले उठी हूँ, क्योंकि आज मेरे को मेरा जो ऑफिस का काम है वो दोपहर में है, तो कल मैं ज़्यादा व्लॉग एंड कर नहीं पाई। तो मैंने सोचा आज के लिए भी मैं थोड़ा कुछ व्लॉग कर देती हूँ और मैं किसी दिन बाद में ये व्लॉग एंड करूँगी। तो कल ना, जहाँ तक आप लोगों ने देखा, मैं मॉल गई थी, उसके बाद हम अपने घर आ गए थे वापस, मैं और मेरे हस्बैंड, और मेरी बहन चली गई थी वापस घर पर। उसके बाद हमने सोचा कि हमारा छुट्टी का टाइम है तो हम लोग मूवी देख लेते हैं, तो हम लोग मूवी गए थे ओ माई गॉड 2। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने लेकर दिया मेकअप। आई एम सुपर हैप्पी। एक्चुअली मैं लेने गई थी रेयर ब्यूटी का ब्लश। ये प्रॉब्लम है यहाँ पर कि रेयर ब्यूटी और कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ सिफोरा में मिलता है। तो मैं ले नहीं पाई वो, क्योंकि उनके पास एक ही शेड था, आई गेस लव या मेरे को शेड का नाम याद नहीं आ रहा, पर वो टोन का शेड था जो मुझे नहीं चाहिए था। और मेरा मूड इतना ख़राब हो गया ना, मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए। और मेकअप खरीदने जाए और ना खरीदे कितना बुरा लगता है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, तुम एक काम करो, तुम जाओ एंड बाय समथिंग व्हाटएवर यू लाइक, कि एटलीस्ट तुम्हें कुछ ऐसा रहेगा कि तुमने कुछ तो ख़रीदा है। आई दो मेकअप की चीज़ें वहाँ से लेकर आई हूँ। ये दो एक ही ब्रांड कर के प्रोडक्ट्स है, जो कि है रॉम एंड एंडी। मुझे नहीं पता मैं इसे सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, बट रॉम एंड एंडी एंड रॉम एंड एंडी है बॉट। तो ये है एक जूसी लास्टिंग लिप टिंट, और आप देख सकते हैं अगर हल्का हल्का आपको मेरे लिप्स पर टिंट दिख रहा है पिंक पिंक, तो ये इसकी वजह से है। कितना प्यारा कलर है गाइस, कितना प्यारा कलर है। एंड ये था कुछ, क्योंकि मेरा फर्स्ट ऑर्डर था तो मुझे 10% डिस्काउंट भी मिला है। एंड इसका प्राइस है ₹890, और 890 के हिसाब से आई गेस ये बहुत अच्छा लिप टिंट है। इसका कलर यू गाइस इतना प्यारा कलर है, मतलब मैं आप लोगों को ये स्वॉच करके बताऊंगी छोटे से स्क्रीन पर, आपको यहाँ पर दिखेगा, ये बहुत प्यारा है। एंड वाओ, इसका स्मेल भी, इट्स लाइक स्ट्रॉबेरी स्मेल, बहुत प्यारा स्मेल है, बहुत अच्छा। एंड आई शेडोज मेरे पास बहुत सारे हैं, बट मैं ये देखकर पागल हो गई सिर्फ एक इसकी शेड के लिए। यहाँ पर शेड्स के नाम नहीं है, बट ये कुछ ऐसा दिखता है।
कलर है, ये ना थोड़ा ऑरेंजी ब्रॉन्जी पिंक पीच सब मिक्स्ड अप कलर है और ये इतना प्यारा लगता है। मैं रह नहीं पा रही थी तो मैंने इसको स्वॉच भी कर लिया अभी, तो आई डोंट नो व्हाई व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मी, मैं मेकअप देख के रह नहीं पाती, मैं पागल हो जाती हूँ। तो इसका शेड आई डोंट नो बट ये रॉम एंड बेटर देन आईज का कलेक्शन है, रॉम एंड एनडी का बेटर देन आईज का कलेक्शन है। तो इसका शेड ओके इसका शेड है विच इज W02 ड्राई पीच ब्लॉसम। आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है बट और मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये आप लोगों को कहाँ मिल सकता है मुझे नहीं पता, नायका मिंत्रा और भी जो वेबसाइट्स है वहाँ है या नहीं, बट ये मैंने टाटा के न्यू कोई स्टोर ओपन हुआ है वहाँ से लिया है। मैं इसका प्राइस आपको बताती हूँ, इसका प्राइस है 1250। इट्स अ लिटिल बिट हायर फॉर जस्ट 4 शेड्स ऑफ कलर बट ट्रस्ट मी यू गाइज मुझे ये सच में बहुत अच्छा लगा। और मैं यू गाइज मुझे ना आप लोगों को कुछ बताना था, पता नहीं ये क्या है, ये अच्छा है या बुरा है आप लोग मुझे बताना, ये अच्छा है या बुरा है। ये मेरी फेवरेट यूट्यूबर है, मैं इसका व्लॉग कभी मिस नहीं करती, आई जस्ट लव हर व्लॉग। तो आप लोग को दिख रहा है या नहीं पता नहीं, भारती सिंह। एंड ना यहाँ पर कुछ टाइम तक मैं थी नहीं घर पर, तो मैंने ना आने के बाद नोटिस किया कि मेरी दो बालकनीज में ना बहुत सारा ग्रास घास पड़ा है, वो जो लंबे घास होते हैं ना वो पड़े हैं। तो मैंने सोचा कि ये पता नहीं क्यों क्या हो रहा है एसी के पीछे एंड देन ये वाली बालकनी में। और यहाँ पर कैसा है कि बहुत बारिश आती है तो मैं रोज़ बालकनी साफ नहीं कर सकती, वो ऑलरेडी कचरा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं कभी कभी करूँगी, और उस बीच में एक हफ्ते तक घर नहीं थी। एंड यहाँ पर पिजन ने यू गाइस अपना नेस्ट बना लिया और उसने तो अंडे भी दे दिए और मेरा ध्यान भी नहीं गया। और अब मुझे पता नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं होता है, उनको नहीं रखना चाहिए घर में पिजन्स को। बट मेरे हस्बैंड कहते हैं कि किसी का घर नहीं तोड़ो, उनको अभी उन्होंने अंडे डाल दिए तो वो जाने दो। बट आई रियली डोंट नो कि अच्छा होता है या नहीं होता है, तो अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो ज़रूर बताओ कि ये अच्छा है या नहीं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, सी यू गाइस, इसने अंडे दिए हैं और ये है उस पहले एक अंडा था, अब दो अंडे हो गए हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये अच्छा होता है या गंदा होता है, बट आई रियली डोंट नो। तो अगर आप लोगों को पता है तो बताओ। और मुझे इतना डर लग रहा है ना कि मैं उसको उठा के रख भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अच्छा होगा या नहीं वो कुछ मुझे। एक्चुअली पिजन्स आर वेरी हार्मफुल, नॉट हार्मफुल जहाँ तक मुझे पता चला है, बट लेट्स सी। तो आज मैं अपना व्लॉग इधर एंड करती हूँ, मैं इनका कंप्लीट करती हूँ व्लॉग देखना, और मैं आप लोगों को मिलूँगी अगर इसका एंड किया तो, नहीं तो इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय।